हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को वीडियो के थंबनेल से दिख गया होगा कि आज मैं मैकेनिकल और मेटलर्जी के जो कॉमन एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आपके लिए करवाने जा रहा हूं। और ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी टाटा स्टील, जेईई, सेल या फिर एसएससी जेईई या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें भी आपने फॉर्म भरा है उसमें आप जो है अप्लाई करने वाले हैं या पेपर देने वाले हैं, तो इसके अंदर मैं आपके बेसिकली चार सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट हो जाएगा मटेरियल साइंस, फिर आपका मेटल साइंस के साथ मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और फिर आपका मेटल का फिर आपका बेल्डिंग टेक्नोलॉजी और एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। मतलब ये चार टोटल सब्जेक्ट हैं जिसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस वीडियो के साथ बताता रहूंगा कि क्वेश्चंस ऐसा क्यों होता है, कि ताकि आपको जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक या सब जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जो है पता चल जाए। तो फ्रेंड, बिना देरी करते हो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आता अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो को मतलब दिख ही रहा होगा, फेरस अलॉय विद लेस कार्बन कंटेंट आर मोर ससेप्टेबल टू कोर्जन सेंसिटाइजेशन। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां कहना चाह रहा है कि अगर फेरस अलॉय है, यानी फेरस अलॉय मतलब जैसे आपका ऐसा जिसमें लोहा है, तो अगर उसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होगा तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा कोर्जन मतलब जंग लगने का। मतलब अगर कम कार्बन होगा तो वो ज्यादा जंग जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों आपको बताता हूं उसका कारण। देखिए आपका जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है। तो आप बताइए स्टील में जंग ज्यादा तेजी से लगती है कि कास्ट आयरन में जंग ज्यादा तेजी से लगेगी। तो आपको पता है स्टील बहुत ज्यादा चिकनी होती है और आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील कितनी ज्यादा बेहतरीन होती है, तो स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो कोर्जन जो होने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा कार्बन कंटेंट में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा आपका जो कोर्जन सेंसिटाइजेशन होगा मतलब सेंसिटिविटी फ्रॉम कोर्जन ये क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट बी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिनके अंदर कार्बन कंटेंट कम होगा वो सेंसिटिव कम होंगे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मोर सेंसिटिव टू कोर्जन, तो देखिए यहाँ पे मोर दिया है, यहाँ लेस दिया होता तो ट्रू होता, लेकिन इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स फॉल्स हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल न्यूट्रल एलिमेंट नाइदर कार्बाइड नॉर ग्रेफाइटाइजेशन। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नाइदर कार्बाइड और नॉर ग्रेफाइटाइजेशन मतलब कारण होता है, तो वो आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, याद रखिए कोबाल्ट। ठीक है, तो सेकंड जो उसका थर्ड आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। द रूल यूज टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ वेरियस फेज इन फेज डायग्राम। तो देखिए कौन सा ऐसा रूल है जो कि वेरियस फेज और फेज डायग्राम में आपके निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका यूज होता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो गिब्स फेज रूल जो होगा करेक्ट आंसर होगा, लीवर रूल नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गई है, याद रखिए। ठीक है, कौन सा गिब्स फेज रूल, और आपको गिब्स फेज रूल पता ही होगा इसमें आपको बता देता हूँ। तो गिब्स फेज रूल क्या था, पी प्लस एफ बराबर आपको बता देता हूँ एक बार सी प्लस टू, ये होता है आपका गिब्स फेज रूल। यहाँ क्या होता है पी नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज आपको बता देता हूँ। जैसे आपका वेपर फेज है, ठीक है, ये आपका लिक्विड फेज है, तो ये आपका जैसा फेज है। ठीक है, सी होता है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू आपकी होती है, और एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे जैसे आपका कोई भी फेज है जिसके दो फेज हैं, तो वहां पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आप मैं बात करूँ ट्रिपल पॉइंट पे, अगर आपसे पूछा है कि ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है किसी भी, तो ट्रिपल पॉइंट आप लोग को पता होगा ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेज होते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड और वेपर फेज को एग्जिस्ट करते हैं, यानी तीनों फेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी यानी फेज कितना हो जाएगा आपका तीन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालनी है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो यहाँ एफ ही रखते हैं, और यहाँ पे सी की वैल्यू रखी जाती है ट्रिपल फेज के लिए वन, ये कांस्टेंट होता है, तो वन प्लस टू हो जाएगा आपका थ्री। तो देखिए टू प्लस एक थ्री और थ्री, तो थ्री से थ्री इधर उधर कट जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी आपकी जीरो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि ट्रिपल पॉइंट पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो ट्रिपल पॉइंट पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है जीरो होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। देखिए द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर को लो करना आपका सुपर कूलिंग और अंडर कूलिंग आपका दोनों कहलाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग और अंडर कूलिंग दोनों कहलाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अंडर कूलिंग में अगर आप बना के दिखाऊं तो आपको एक बार दिखा देता हूं, सब कूलिंग अंडर कूलिंग। तो ये वाली जो एरिया होता है ये आपका सब कूलिंग कहलाता है, सब कूलिंग जोन होता है, आपको टीएस प्लॉट होता है, ये टीएस प्लॉट। तो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये सुपर हीटिंग जोन होता है, और ये दोनों चीजें यानी वेपर और लिक्विड एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, इसलिए इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट जोन भी कहते हैं इसे लेटेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों फेज होते हैं, फेज चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए यूटेक्टाइड स्टील कंटेन, आपको पता होगा यूटेक्टाइल स्टील के अंदर 0.83% तक कार्बन होता है, और यूटेक्टाइड स्टील आपको कहां से पता चलेगी, ये पता चलेगी आयरन कार्बन से। तो और मैंने इसकी पूरी आयरन कार्बन डायग्राम की पूरी बेसिक वीडियो बना दी है, जिसमें आपको पूरा एक एक चीज अच्छे से समझा दी है,
वहां पे आप इस चीज को देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यूटेक्टाइट पॉइंट स्टील के लिए, बाकी ये कास्ट आयरन के लिए भी जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं उनको भी आपको पूरा एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप लोग जाइए और सर्च करिए, उसे आपको मिल जाएगी वीडियो। देखिए, और नाइदर आयरन नॉर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो देखिए किसमें जो नाइदर आयन्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, तो वो होता है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, कौन सा? आयोनिक सॉलिड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आयोनिक सॉलिड। देखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल आयन्स एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कैन बी वीक एंड ओवरकम बाई। तो देखिए, अगर वीक करेंगे तो हाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा, अगर मेटल को आप लोग एक मतलब एक कॉमन सेंस से सोचें कि अगर एक आयरन उसे अगर गर्म करते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो दूर दूर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर एक मतलब एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाएंगे। तो उनके बीच क्या होता जाएगा, जो आपस में फोर्स लग रहा है कोहेंशन फोर्स, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है वो कोहेंशन फोर्स होता है, तो वो कोहेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डीकोलाइज इलेक्ट्रॉन वीकन हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कार्बोराइजिंग मेथड हैज हाई प्रोडक्शन रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैसपोराइजिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है गैस, और गैस कार्बोराइजेशन में आपको तीन टाइप की गैसेस का भी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो आपकी एक न्यूट्रल फ्लेम की यूज कर सकते हैं, बाकी ऑक्सीडाइजिंग और तीसरी फ्लेम जो होगी कार्बोराइजिंग फ्लेम का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एलिमेंट की चिल्ड डेप्थ और चिल्ड कास्ट आयरन का, आपको पता देगी सिलिकॉन चिल्ड डेप्थ आपकी सिलिकॉन से ही बढ़ जाएगी, मैग्नीज से ही बढ़ जाएगी, मैग्नीज सल्फाइड से भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। व्हाई इज ग्रे कार्ड एनीलिंग। देखिए, ग्रे कास्ट की आपको, ग्रे कास्ट आयरन की आपको पता होगा एनीलिंग की जाती है, एनीलिंग भी आपको बताता है। एनीलिंग में क्या करता है, किसी भी जिसकी भी एनीलिंग करती है उसे एक भट्टी के अंदर रख देते हैं, यानी फर्नेस के अंदर रख देते हैं, फर्नेस के अंदर उसे हीट करते रहते हैं, कितना, उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 20 से 25 डिग्री ऊपर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो उसका फेज होता है वो चेंज होने लगता है, मतलब अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर खोने लगता है। तो उस टेम्परेचर से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, इस मेटल को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, इसके अंदर कार्बाइड फॉर्म डेवलप होने लगती है। कार्बाइड से क्या फायदा होता है, देखिए कार्बाइड एक ऐसी फॉर्म होती है जो काफी ज्यादा हार्ड फॉर्म में आती है, आपने सुना होगा, क्योंकि कार्बाइड के टूल बनाए जाते हैं जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और काफी ज्यादा हार्ड मशीनिंग के लिए और हाई स्पीड के लिए यूज करे जाते हैं। तो इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन की एनीलिंग करी जाती है ताकि आपको जो है ग्रेफाइटेशन कार्बाइड मिल सके। बाकी ये भट्टी के अंदर ही से हम ठंडा होने रख देते हैं। एनीलिंग के बारे में पूरी वीडियो बना चुका हूं और नॉर्मलाइजेशन की भी बना चुका हूं, अगर आप लोग को वो समझ में नहीं आया तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, नाइफ लाइन अटैक इज टाइप ऑफ, नाइफ लाइन अटैक जो होता है आपका, जो टाइप किसका होता है, वो लोकलाइज कोरोजन का एक टाइप होता है। ठीक है, लोकलाइज कोरोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए फाइन गोल्ड कलर एंड यूज फॉर इमिटेशन ज्वेलरी। तो एल्युमिनियम ब्रोंज, ये आपको पता होगा, इसे कहते हैं फॉल्स गोल्ड। इसे क्या कहते हैं, फॉल्स गोल्ड, मतलब कहते हैं कि इसे मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो सोना दिखा देते हैं वो होता है एल्युमिनियम ब्रोंज, क्योंकि बिल्कुल सेम आपका सोने की तरह लगता है, और आपको अगर एक सुनार नहीं है तो आपको पता करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आप देखते हैं वेल्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वेल्डिंग आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो देखिए, जब भी वेल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, वेल्डिंग करने के दौरान आपकी इंफ्रारेड रेस और अल्ट्रावायलेट रेस दोनों ही जो है आपकी आंखों से टकरा सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं, शील्ड वगैरह होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उस शील्ड का यूज करते हैं ताकि हमारी आंखों को प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बीएनसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पूल ऑफ द मोल्टन मेटल इज यूज, आपको पता होगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के अंदर, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये दो ज्वाइंट है आपको, ये आपका ज्वाइंट, इसको आपस में आपको जोड़ना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से पास लाके जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, स्लैग होता है, ग्रेनुलेटेड स्लैग्स होता है, पूरी तरफ से स्लैग से ढक देते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक फिलर रॉड होती है आपका, दूसरा जो वाला इलेक्ट्रोड होता है सप्लाई करी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड मतलब फिलर रॉड से पिघल पिघल के इसके अंदर फिट जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से जो होता है बचाता है, ये जो आपका स्लैग होता है जो पोल्ट मतलब इसे क्यों कह रहे हैं, पूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूल होता है जहां पर जैसे कोई चीज डूबी हुई हो, तो ये पूरा ग्रेनुलेटेड फ्लैग्स के साथ डूबा हुआ कंपोनेंट होता है, इसके अंदर ही आपकी करी जाती है। बहुत सारे फायदे करता है इससे हमारा एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, मतलब जो बाहर की गैसेज होती है इससे बचाव होता है, ज्वाइंट में अच्छा होता है, ज्वाइंट के अंदर एयर वगैरह नहीं जाती, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इस पूल के। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोड का डायमीटर उतना ही सेट करेंगे जितना आपका थिकनेस ऑफ द मटेरियल होगा, मतलब अगर आपका एक कॉमन सेंस बताऊं, अगर आपको एक इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा आपकी जो मटेरियल है उसकी प्लेट कितनी थिकनेस है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सबसे पहले यही चेक करना होगा कितनी मोटी प्लेट को आप वेल्डिंग करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे जो है इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रोड की मतलब मटेरियल यूज इसके मतलब इलेक्ट्रोड पे कोटिंग के लिए फ्लक्स होता है,
फ्लक्स जो होता है एक ऑक्साइड का होता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स के फ्लक्स जो है मतलब आपकी जो रॉड होते हैं उस पर चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं उसके कारण भी होता है। फ्लक्स से बहुत ज्यादा फायदा होता है, फ्लक्स से आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं मेटल में जो आपका ज्वाइंट बनता है उस ज्वाइंट के अंदर आपको जो है स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, ज्वाइंट के अंदर आपका जो कह सकते हैं कि जो पोरोसिटी होती है वो कम हो जाती है, और फ्लक्स से बाहर की जो मतलब एटमोस्फेरिक कंटेमिनेशन होती है वो भी कम करता है। और फ्लक्स से बहुत सारे फायदे होते हैं, और फ्लक्स से होता है ज्वाइंट एक अच्छा ज्वाइंट बनता है। द मोस्ट कॉमनली गैस यूज इन वेल्डिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमनली गैस यूज करी जाती है न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल फ्लेम यूज करी जाती है। क्यों यूज करी जाती है बता देता हूं। देखिए न्यूट्रल फ्लेम में आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है वो 1:1 के फॉर्म में होता है, मतलब दोनों बराबर के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखिए न्यूट्रल फ्लेम ज्यादा अवेलेबल होती है और ये थोड़ी सस्ती होती है। आप देखना कभी भी आप अगर कभी गए हो किसी भी चीज पर, आप कंपोनेंट पे अपना वेल्डिंग कराने या गाड़ी की आप देखना जहां कार वार संभलती हो, तो वहां आप देखना जो वेल्डिंग यूज करते हैं कार के जो है मतलब आपके जो डोर्स होते हैं उन पर जो वेल्डिंग करते रहते हैं शीशे के थ्रू अपनी रॉड के थ्रू, तो वहां न्यूट्रल फ्लेम का ज्यादा यूज करा जाता है। और आपका जो ऑक्सीडाइज फ्लेम होती है वो वहां यूज करते हैं जब कटिंग का काम होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज फ्लेम का टेम्परेचर अप्रोक्स 3400 से ऊपर होता है, तो इस फ्लेम का यूज वहां करा जाता है जहां पर आपको कटिंग करनी हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। तो टीआईजी वेल्डिंग में आपको आर्गन और हीलियम का हम यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीआईजी वेल्डिंग जो होती है आपको पता होगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोड का किसी भी तरीके से कोई पिघलना नहीं होता है, तो नॉन कंज्यूमिंग इलेक्ट्रो कंज्यूम नहीं होता है, आप चीज को पता होना चाहिए। अब देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, मल्टी स्पॉट, मतलब आपको जैसे मान लीजिए इस पे ये शीट पे आपको इस शीट का प्रोजेक्शन करना है, तो आप एक इधर से प्रोजेक्शन देंगे और एक मान लीजिए इधर से प्रोजेक्शन देंगे। ठीक है, तो इधर से इधर प्रेशर लगेगा, इधर से प्रेशर लगेगा, और आपकी शीट जो होगी एक बार में कई सारे मल्टी स्पॉट्स के थ्रू आपकी शीट क्या होगी जुड़ जाएगी जैसे आप इसे प्रेशर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रे कास्ट आयरन किसके लिए सूट होता है, ग्रे कास्ट आयरन की अगर वेल्डिंग करनी है तो भी हम ऑक्सी एसिटिलीन मतलब गैस वेल्डिंग का यूज करेंगे ग्रे कास्ट आयरन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको इंपॉर्टेंट एक बात और बात हूं, अगर आप कभी भी कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो कास्ट आयरन के अंदर टीआईजी एमआईजी आर्क वेल्डिंग का यूज ना करें, क्योंकि वहां पर वो कंपोनेंट जुड़ेगा ही नहीं। तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए हमेशा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का यूज करें। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट अगर टीआईजी वेल्डिंग से आपको करनी तो आप एल्यूमिनियम से करिए, एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टीआईजी वेल्डिंग का। बाकी टीआईजी वेल्डिंग से आपका स्टेनलेस स्टील भी आपका यूज होता है, 304 स्टेनलेस स्टील होता है, SS 304 आपका स्टेनलेस स्टील होती है जो कि आपकी टीआईजी वेल्डिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर के अंदर आ चुका। आर्क वेल्डिंग के अंदर भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, और एमआईजी वेल्डिंग में भी एल्युमिनियम की हम कर सकते हैं, और ये टीआईजी एमआईजी में दोनों में ही एसी और डीसी दोनों ही यूज करंट यूज कर जा सकते हैं। ठीक है, दोनों करंट से आपकी वेल्डिंग की जाती है, बस इसके थोड़े नुकसान और फायदे होते हैं वो आपको मैं किसी और वीडियो में जब पूरी वेल्डिंग की वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि पेनिट्रेशन जो होता है कितना गैप तक वेल्डिंग जानी चाहिए, कि आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब आपको एक बार में डिक्लेयर कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा जो वीडियो बनाऊंगा। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज लीड, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपको पता होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, ये प्लेट आपकी, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपकी ये जुड़नी है, और दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ आपका ये, दोनों आपको इलेक्ट्रोड पे पता होगा प्रेशर लगाया जाता है इधर से, ये ऐसे करके प्रेशर इधर से, ये प्रेशर इधर से, जैसे ही प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट बन जाता है और जो होता है आपकी दोनों प्लेटें क्या होती हैं चिपक जाती हैं, कैसे, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण, किसके कारण। लेकिन अब देखिए जब ये प्लेट जुड़ जाती है और बेल्ट ठंडा हो जाता है तभी हम आप क्या करते हैं जो प्रेशर करते हैं वो रिलीज करते हैं। तो ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि आफ्टर द बेल्ट कूल, देखिए अगर हमने मतलब एक बार इसे जोड़ा और एकदम इसे हटा दिया दोनों रॉड को, मतलब जैसी करंट इसमें हुआ हीट से यहाँ पे ज्वाइंट लगा हमने हटा दिया, तो यहाँ नुकसान क्या होगा, हटाते ही गरम गरम होगा, गरम होने से क्या ये टूट जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा ही ठंडा हो जाता है करंट हम लोग बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका ये चीज दूर करते हैं तो ये चिपका रहता है और ज्वाइंट आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी इसमें जो होता है आपके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, ये इस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर होता है जो कि कॉइल्स अगर आपकी जुड़ी रहती है, बाकी एक इधर भी होता है जो प्लेट के थ्रू आपका जुड़ाता है। देखिए सीम वेल्डिंग इज, तो देखिए सीम वेल्डिंग में क्या होता है, सीम वेल्डिंग में आप मान के चलिए जैसे मान ली एक प्लेट ये है और एक प्लेट आपकी ये है, ठीक है, दो सीम वेल्डिंग है, तो इसमें दो रोलर्स होते हैं, रोलर्स, ठीक है, इस तरीके से रोलर्स होते हैं, ये देखिए कंटिन्यूअस करते चले जाते हैं, शीट जो होती है आगे बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर जो होता है पॉइंट पॉइंट पे रोलर जो होते हैं आपके जॉइंट को बनाते चले जाते हैं, और दोनों जो रोलर होते हैं आपके यहाँ पे जो होते हैं सप्लाई से जुड़े हुए रहते हैं जिससे आपके जो जॉइंट है बनता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देखते हैं। इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड, देखिए आर्क वेल्डिंग के अंदर जो आर्क बनता है वो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू बनता है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मतलब जैसे मान लीजिए आपकी ये प्लेट है, दो प्लेटें हैं आपकी, मान लीजिए एक ही प्लेट है, ये दोनों प्लेटों को आपको आपस में बेल्ट करना है, बेल्ट करेंगे तो देखिए यहां पर आपका जो होगा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होगा और यहां पर आपका जो होगा फिलर रॉड होगी, तो यहां पर क्या होगा जो आपकी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और प्लेट के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और हमें पता है जब भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है कोई भी कहीं भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो वहां पर क्या बनती है हीट,
जब हीट बनेगी तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो हीट बनेगी तो उसी रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होगा आर्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन सर्किट वोल्ट, आर्क वेल्डिंग का जो ओपन सर्किट वोल्ट होता था फ्रेंड, वो 40 से 95 होता है, ये 120 नहीं होगा, ठीक है। 40 से 95 वोल्ट होगा आपका आर्क वेल्डिंग का जो वोल्टेज होता है, और आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वोल्टेज और काफी पेपर में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ रहा है स्पॉट वेल्डिंग का या रेजिस्टेंट वेल्डिंग पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है रेजिस्टेंट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो आपका वोल्टेज होता है बहुत ही कम लेते हैं, 10 से 15 वोल्ट मैक्सिमम लेते हैं, बस इतना ही केवल वोल्टेज लेते हैं, लेकिन करंट आप अप्रॉक्स 300 एम्पियर के आसपास लेते हैं। 300 एम्पियर करंट ज्यादा क्यों लेते हैं, आपको इसका कारण ही बता देता हूँ। देखिए किसी भी वेल्डिंग में आपको वोल्टेज कम क्यों लेते हैं और करंट ज्यादा लेते हैं, इसका कारण आपको बताता हूँ। देखिए करंट क्या होता है, करंट फ्लो के कारण हीट जनरेट होती है, तो जैसे जैसे जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, और उससे क्या होगा आपका जो जॉइंट है वो आसानी से मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी फिलर रॉड वगैरह पहुंच जाएगी, इसलिए वोल्टेज कम लेने से। देखिए आपको बताता हूं कैसे, आप जानते हैं वी बराबर होता है आई आर, ठीक है। अगर आपका यहां पर करंट ज्यादा होगा तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप यहां पे क्या करते हैं कि हीट ज्यादा डेवलप करनी है तो आपको क्या करना है, करंट ज्यादा लेना है, करंट आपको क्या करना है ज्यादा लेना है, तो करंट ज्यादा लेंगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। बाकी देखते हैं आप देखिए यहां पे जो क्वेश्चंस हमारे आ गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्वेश्चंस आ गए हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट कंप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द बीच फॉलिंग प्रोसेस, तो डायरेक्ट कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, फोर्जिंग। फोर्जिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए कि ये है दोनों, इस चीज को आपको कंपोनेंट के हथौड़े से ठोक ठोक के इसे जोड़ दिया, तो यहाँ डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई मतलब ही नहीं है, सीधे मारा और ठोका और यहाँ पे फोर्जिंग हो गई। बाकी रोलिंग में भी क्या, एक रोलर होता है वो दोनों तरफ से दबाता रहता है और शीट आपकी डायरेक्ट क्या कंप्रेस होती रहती है, जो भी आपको पतला करना है जैसा भी करना है जो भी करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। वायर ड्राइंग में क्या होता है, इसमें आपको टेंसाइल फोर्स लगा जाता है, मान लो जैसे ये इतना मोटा वायर है, इसे हमने क्या करा एक कार्बाइड की होल से निकाला, कार्बाइड के होल से निकाला तो ये पतले से रूप में जो है पतला हो गया, पूरा पतला पतला करके निकलता चला गया। ये जो ये आधा की ये जो आपकी होती है कार्बाइड की होती है, ठीक है, जो आपका होल करा जाता है, ये आपकी जो डाई, इसे डाई कहते हैं, डाई के थ्रू हम पतला करके इसे तार को निकाल लेते हैं, तो ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो याद रखिए कार्बाइड की होती है आपकी, और ये होता है आपका जो वर्कपीस होता है जिसका हमें करना होता है। स्ट्रेच में आप क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, जैसे वायर को स्ट्रेचिंग करना, डायरेक्ट सीधे लंबा खींच देना। और एक्सट्रूजन होता है आपका, आपको पता होगा इसमें बिलेट और ब्लूम का यूज करा जाता है। एक्सट्रूजन में आपका जो कंपोनेंट होता है, मान लीजिए जैसे ये है, इसे क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे और पतले ट्यूब की तरह इसमें से छेद में से आपका ये निकल जाएगा, और एक रॉड वगैरह ट्यूब वगैरह इस टाइप का सिलेंड्रिकल कंपोनेंट आपको यहां से मिल जाएगा। तो बाकी इसकी पूरी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे क्या क्या पेपर पर्पस इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं आपको एमसीक्यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए बेसिक। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होती है, मुझे पता है थ्योरी सब पढ़ लेते हैं थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन अप्रोच जब करना होता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन अप्रोच कराऊं कि क्वेश्चन किस टाइप के पेपर के अंदर बनते हैं। देखिए प्रिसीजन फोर्जिंग विद एल्स क्लोज डायमेंशन, देखिए क्लोज डायमेंशन है ना, तो क्लोज डाई फोर्जिंग होगी, है ना। अगर डायमेंशन आपकी क्लोज है तो डाई फोर्जिंग आपको पता ही होगा क्या होता है, मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए आपको ये कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसे एक डाई के अंदर बंद करेंगे, ठीक है, उसके बाद फोर्स लगाएंगे तो जिस टाइप का भी कंपोनेंट बनना होगा वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज टॉलरेंसेज होते हैं, मतलब बंद होते हैं टॉलरेंसेज, जो आपके टॉलरेंस दिए जाते हैं वो क्या कहते हैं बंद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ द टेस्ट द कैपिलरी एक्शन, देखिए कैपिलरी एक्शन किसके अंदर है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता क्या, मान लीजिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक है, अब मान लीजिए सरफेस के ऊपर पूरा बना देता हूँ मैं सरफेस, ये मान लीजिए सरफेस के ऊपर ये क्रैक है एक, ठीक है, क्रैक को आपको चेक करना है, ये चेक करने के टेस्ट है ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब सरफेस को साफ करेंगे, साफ करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पेनिट्रे मतलब एक जो आपका लिक्विड होता है उसे डालेंगे, जो कि आपका लिक्विड कहलाता है। लिक्विड डालने के बाद एक और होता है डेवलपर डालने के बाद इसे क्या करेंगे, यूवी लाइट में देखेंगे, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट इसमें डालेंगे ग्रीन कलर वाली, तो क्या होगा यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देने लगेगी हल्की हल्की, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या आपको यहाँ पर जो है कि ये डिफेक्ट है, यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक डिफेक्ट है, इसे हमें देखना है। और इसमें कैपिलरी रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम जो पेनिट्रेशन को मतलब जो भी हम इसमें आपका जो डेवलपर जो भी लिक्विड वगैरह डालते हैं वो पेनिट्रेट हो जाता है छेद के अंदर, मतलब सीधे जो होता है इसलिए इस छेद के थ्रू वो अंदर घुस जाता है, इसके कारण क्या होता है यहाँ पे पेनिट्रेशन आपका हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ नॉट अ डिफेक्ट, देखिए सरफेस क्रैक अगर फोर्जिंग मतलब हथौड़े से मारा है तो सरफेस में क्रैकिंग भी आ सकती है, अंदर भी क्रैक आ सकता है, कोल्ड शट हो सकता है, लेकिन रैपिंग नहीं होगी। रैपिंग आपकी किससे लिए होती है, शीट को मोड़ते हैं जब किनारे वगैरह से या साइड से मोड़ते हैं, तो उसके कारण जो डिफेक्ट हो जाता है मुड़ जाती है शीट, उसे कहते हैं रैपिंग।
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर फिजिकल मेथड टू प्रूव पाउडर। देखिए फिजिकल मेथड क्या है आपको, देखिए ऑटोमाइजेशन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल डिपोजिशन भी कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पाउडर मेटलर्जी की पूरी वीडियो बना दी है, फुल वीडियो, इसमें पूरा एक एक बेसिक चीज आपको समझा दी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए पाउडर मेटलर्जी में क्या किया जाता है, आपका जो भी मेटल होता है उसे मेल्ट करा जाता है, बिल्कुल पिघला लिया जाता है, पिघलाई मतलब पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद उसे एक बारीक से होल से गुजारा जाता है और आपका क्या कराता है, यहाँ का टेम्परेचर पानी की जो है उस पे क्या करते हैं, फुहार करते हैं। तो पानी की फुहार करने से क्या होता है, जो मेटल होता है छोटे 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 पार्टिकल में टूट जाता है, इससे क्या होता है आपका पाउडर बन जाता है, पाउडर फॉर्म में मेटल हो जाता है। तो ये कहलाती है आपको ऑटोमाइजेशन। बाकी इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन क्या होता है, इसे आप वैसे करके कर सकते हैं जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक कन्वर्टर वगैरह होते हैं, ये आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है दो प्लेटेस बनाकर उनको आपस में जो है प्लस माइनस करके आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन कर सकते हैं। देखिए पाउडर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूजन, तो देखिए पाउडर जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूजन क्या होता है, डेंड्रिक इन शेप, डेंड्रिक मतलब एक लंबा सा सुई की तरह आकार होता है डेंड्रिक का, तो उस टाइप की शेप में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस थ्रू पाउडर मेटलर्जी रूट। तो देखिए सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, केमिकल सीमेंटेड, ठीक है, जितने भी आपके टंगस्टन कार्बाइड वगैरह, सीमेंटेड कार्बाइड, CBN, जितने भी टूल्स होते हैं सारे के सारे पाउडर मेटलर्जी के थ्रू ही बनाए जाते हैं। बाकी टंगस्टन फिलामेंट और ऑल ऑफ दीज के करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। अब देखिए बेस्ड ऑन द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लैरिटी हाउ मेनी स्टेप्स। देखिए दो ही रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर होते हैं, एक अपर और एक लोअर, यहाँ पे दो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ द इग्नेट ड्यूरिंग रिलिंग। तो देखिए जो आपका मैंने बताया था ब्लूम, बिलेट एंड ब्लूम आपके दो होते हैं यहाँ पे, जो भी आपके उसमें यूज करे जाते हैं रोलिंग के अंदर, आपको बिलेट या ब्लूम आपका होता है, इनका अलग अलग साइज होता है, जो आपका बिलेट होता है वो आपका छोटा होता है, जो ब्लूम होता है वो आपका बड़ा होता है, आप चीज को पता होना चाहिए। गेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं आपको पता होगा, गेटिंग सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, टॉप गेटिंग, बॉटम गेटिंग और पार्टिंग गेटिंग सिस्टम, ये चीज आपको पता होना चाहिए। गेटिंग सिस्टम आपको बता देता हूँ, गेटिंग सिस्टम आपका जो है वो कास्टिंग में यूज होता है, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। गेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसके अंदर मेटल को आपको जैसे यहां से प्योर करना है नीचे से, तो ये आपको हो जाएगा टॉप बॉटम गेटिंग सिस्टम। अगर ये आप ऊपर से मेटल को डाल रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका टॉप गेटिंग सिस्टम, और ना ऊपर से ना नीचे, तो यहां से डाल रहे हैं मान लीजिए, तो ये कहलाएगा आपका पार्टिंग गेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप से गेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें कई सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे एयर एस्पायरेशन इफेक्ट होगा, इसमें कम होगा, इसमें काफी ज्यादा होगा, इससे क्या होगा बबल फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऊपर से ज्यादा तेजी से वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो काफी सारे इसमें भी गेटिंग सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा जो डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हाइट्स होती है, ये भी मैं किसी दिन कास्टिंग की पूरी एक आप लोग को वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको ये सब छोटी छोटी चीजें भी आपकी पेपर पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाए। बाकी नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड वीडियो द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्टिंग रोलिंग। तो कास्टिंग रोलिंग के लिए कौन सा ट्रू है, तो आपका वेट्रिक्स रोल और वेंट्री, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखते हैं विच इन विच एक्सट्रूजन प्रोसेस द रैम कैप्ट स्टेशनरी। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर जो रैम होती है वो क्या होती है आपकी स्टेशनरी होती है, आपका क्या होता है जो ब्लेड होता है उसे दबाया जाता है, रैम स्टेशनरी रखी जाती है और वो एक होल के थ्रू वहां से मेटल क्या हो जाता है निकल जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को ही हम इम्पैक्ट एक्सट्रूजन भी कहते हैं, याद रखिए इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। और इसका जो आपका जो एग्जाम्पल है आपको एक बताता हूँ, जो आपका बैकवर्ड एक्सट्रूजन होता है, याद रखिए पेपर में पूछा जाता है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन से हम बनाते हैं जो टूथपेस्ट की ट्यूब्स होती हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब, तो पेपर के अंदर पूछा जाता है कि टूथपेस्ट की ट्यूब किससे बनाई जाती है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन से बनाई जाती है, ठीक है। अर्जिनाइट किसका, एस के मतलब ओर है, अर्जिनाइट होती है सिल्वर की, ठीक है, अर्जिनाइट सिल्वर की होती है, तो ये आपको याद रखनी है। मैग्नीशियम की होती है बहुत इंपॉर्टेंट डोलोमाइट, ये पूछा जाता है, ये दोनों कॉमन होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की दोनों इसमें मिल जाते हैं, आपकी जो होती है CaCO3 इंटू MgCO3 इंटू TnS2 करके समथिंग होती है, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है उसका, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का आपको जो और मिल जाती है। अब देखिए फ्लैश स्मेल्टिंग इज प्रोडक्शन ऑफ, फ्लैश स्मेल्टिंग से आपका कॉपर बनाया जाता है, फ्लैश स्मेल्टिंग से आपका कॉपर बनाया जाता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। एल्यूमिनियम के लिए आप एज हार्डनिंग का यूज करते हैं, एज हार्डनिंग, ठीक है, ये बात आप याद रखिए, एज हार्डनिंग, ठीक है। टैबिंग इज अ यूज टू प्रिंसिपल ऑफ, द टैबिंग जो होता है वो हमेशा लेटरल मूवमेंट के प्रिंसिपल पे बेस होता है, जो डिफरेंशियल लेटरल मूवमेंट होता है उसी प्रिंसिपल आपका फ्रेंड्स बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडल इज सोर्स ऑफ लेड। तो लेड का क्या सोर्स होता है, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट आपको पता होगा इसका क्या सोर्स है, इसका अयस्क का ओर है, ठीक है, आप समझिए पायरोल्यूसाइट, ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ओर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लक्स, तो आपको पता होगा स्मेल्टिंग, आप लोग ने अगर मैकेनिकल में पढ़ा होगा स्मेल्टिंग क्या होती है, मान लीजिए जैसे एक मान लीजिए जो अपने पहाड़ों पर से एक मेटल मतलब वो निकाल लिया पत्थर, इसमें पता आपको आयरन काफी सारा है, अब इसमें से मेटल के अंदर से आपने आयरन को पाउडर वगैरह पीसा, फिर उसके बाद क्या करा, इसमें आपको एक मेटल मिल गया, बड़ा सा मेटल का टुकड़ा मिल गया। अब इस मेटल के अंदर आप लोग को पता है कि और भी जैसे कई सारे ऑक्साइड्स
या एल्यूमिनियम या कार्बन, बहुत सारी चीज होंगी। अब आपको क्या करना है, इस से पूरे से आपको केवल आयरन को अलग करना है, इस पूरे मटेरियल से केवल लोहा निकालना है। तो वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, आपकी आपकी जो कराती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के अंदर क्या करा जाता है, आपको जो ओर होती है उससे आयरन को अलग करना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको इंपॉर्टेंट बता दो, कैल्सिनेशन होता है, इसके अंदर क्या कराता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रखी, इसमें ऑक्सीजन को नहीं दिया जाता है। ये कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन लेस प्रोसेस होती है। सिंटरिंग का प्रोसेस का क्या काम होता है, पॉटल मेटलर्जी में आपको पता होगा जब कंपोनेंट बन जाता है तो उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, क्योंकि पॉटल मेटलर्जी का कंपोनेंट होता है उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि पॉटर का होता है वो। तो सिंटरिंग से क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन उनके बीच में कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फिर उसे कंप्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो पॉटल मेटलर्जी का जो भी प्रोडक्ट होता है आपका, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सिंटरिंग, स्मेल्टिंग और कैल्सिनेशन और के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके बारे में भी बेसिक पूरी डिटेल एक दिन बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डो प्रोसेस इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो डो जो प्रोसेस होती है वो आपकी मैग्नीशियम के रूप में यूज करी जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इन फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डिप्रेसर, तो फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस के अंदर जो आपका NaCl होता है, सोडियम साइनाइड, ये आपका किस तरीके से यूज कराता है, डिप्रेसर की तरह यूज किया जाता है। विच इज द फॉलोइंग एविडेंट फेरस मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जो आपकी धरती होती है उसकी जो क्रस्ट होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फेरस मेटल पाया जाता है, तो फेरस मेटल आपका होता है आयरन। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट इजी में घुमा के क्वेश्चन बताता हूं, देखिए क्या होता है, पेपर के अंदर कैसे पूछा है। यहां पे आपसे फेरस हटा देगा, केवल मेटल पूछेगा, ठीक है। अगर फेरस हटा के उसने केवल मेटल पूछा तो आपका जो करेक्ट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ये बात याद रखिए। मेटल में एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर आयरन वाले मेटल में फेरस में पूछेगा तो आपको आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखिए पहले नंबर पर आपका पाया जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका पाया जाता है आयरन, और तीसरे नंबर पर निकल धरती के अंदर। लेकिन यहाँ फेरस की बात करी थी इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आयरन, क्योंकि एल्युमिनियम नॉन फेरस मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज लोएस्ट डेंसिटी, तो किसकी डेंसिटी लोएस्ट होती है, तो वो किसकी होती है, मैग्नीशियम की, तो आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परसिपरेशन ऑफ मेटल इन एक्व सोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव क्या, सीमेंटेशन, मतलब परसिपरेशन ऑफ मेटल में एक्व सोल्यूशन का क्या है, सीमेंटेशन। द रीजेंट यूज इन द सोडा लाइम SLS प्रोड्यूसर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका क्या है, मतलब क्या होगा इसका आंसर, Na2CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ द मेटल, तो लीचिंग, लीचिंग, लीचिंग कहता है यहां पर आपको यूज किया जाता है। लीचिंग में आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे जहां ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे क्या होता है, मिट्टी ज्यादा पानी को मतलब एब्जॉर्ब करती है, तो क्या होता है वहां पे जो लीचिंग ज्यादा होती है तो उसके कारण क्या होता है, पेड़ लंबे 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 निकलते हैं, लेकिन जहां बारिश कम होती है वहां पे जो होती है मिट्टी कम पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो लीचिंग इन केस में आपका वहां पे भी आ सकता है, जहां एटमोस्फेयर वगैरह के बारी बात हो रही है, जैसे कि आपका सवाना वगैरह के जंगल होते हैं, आपके अमेजोन के जंगल होते हैं, यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है। अब आगे इधर आ जाए थार मरुस्थल वगैरह में, तो यहाँ आप देखेंगे कि लीचिंग जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ द मेटल क्या हो जाएगा, लीचिंग। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह में वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि मैं वीडियो में चाहता हूँ एक से एक बढ़िया आप लोग जो भी चीज मिले एकदम बेहतरीन तरीके से मिले, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। खाली ऑब्जेक्टिव रखने से कोई फायदा नहीं होता, मैं यही कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज देते रहूँ, ताकि आपके लिए वो आगे वाले एग्जाम में बेनिफिशियल हो सके। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं अभिषेक आपके साथ जरूर मिलूंगा और आता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।